हाय दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो आज का टॉपिक है वो रियल स्टेट से हटके है। सबसे पहले दिवाली की मुबारक, और उसके बाद मैं थोड़ी अपने दिल की बात करना चाहता हूँ कि हम दिवाली पर धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा पटाखे चलाते हैं, इतना ज़्यादा हम फुल जड़िए या और भी जो भी इसका नाम आप दोगे, इतना ज़्यादा चलाते हैं कि हमें जिस हवा में, जिस वातावरण में हम वो पटाखे चलाते हैं, उसी हवा में हमें खुद को श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। हमारे माँ बाप, बुजुर्ग, किसी को सपोज श्वास की बीमारी है और कोई और किसी को तकलीफ है, वो पहले ही इतनी उसकी बुरी हालत है, तो उसके बाद जब ये बारूद का धुआं फैलता है, उसमें हमें श्वास लेना पड़ता है, तो हमें हमारी क्या विजन हो सकती है। दोस्तों, जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक एंगल से मना लो या एंजॉयमेंट के हिसाब से मना लो, लेकिन अपने एंजॉयमेंट के साथ, अपनी खुशी के साथ हमने दूसरे का भी ध्यान रखना है। दूसरे का मतलब ये है कि हम जिस दिन यहाँ पर नीचे ग्राउंड पर, धरती पर हम पटाखे चलाते हैं और वो ऊपर जाके फटते हैं, तो ऊपर जाके पशु पक्षी आलूनों में बैठे होते हैं अपनों में, तो उनके पास जब फटते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आप खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है, तो जब वो उनके पास जाके पटाखा फटता है तो कितना ज़्यादा दहल जाते होंगे। सो दोस्तों, हमने अपनी खुशी मनानी है। अपनी खुशी मनाने के समय हमने ये नहीं कि दूसरे की खुशी को डिस्टर्ब करना, हमने किसी की खुशी को डिस्टर्ब नहीं करना, खुशी मनानी है, खुशी मनाओ। यदि आपका धार्मिक एंगल है तो भी कोई बात नहीं, पहले भी धार्मिक एंगल से सती प्रथा चलती थी, उसको बंद किया गया, लड़कियों को मारने की प्रथा थी उसको बंद किया गया, नर बलि की प्रथा थी उसको बंद किया गया, लड़कियों को एजुकेशन ना देने की प्रथा थी उसको बंद किया गया। हमने पहले भी तो बंद किए ना, जो प्रथा ठीक नहीं थी, जो हमें अच्छी नहीं लगती थी, वो हमारी प्रथा थी, उसको हमने बंद किया, उसकी जगह और चीज़ें ढूंढी। तो अब हम यदि हम दिवाली पर ऐसी चीज़ ढूंढ लें, कोई इसका बदल ढूंढ लें कि हमें पटाखे चलाने के बिना ही खुशी मिले, तो कितनी बढ़िया बात हो सकती है। दोस्तों, ये आप मान लो, मैं भी मानता हूँ खुशी खुशी है, किसी तरीके से भी मनाई जा सकती है। कितने और त्यौहार हैं इंडिया में जो बिना पटाखे के मनाए जाते हैं, दिवाली नहीं, कहीं भी। आगे सिखों के गुरुपुरब भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी लोगों ने पटाखे चलाने हैं, और ब्याह शादी में भी लोग पटाखे चलाते हैं। लेकिन मेरी यही बेनती है कि यदि आप पटाखे का कोई और बदल ढूंढ लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहोगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा यदि हम अपने सेहत का तो हम ध्यान रखेंगे पटाखे ना चला के, हम दूसरों की खुशी का, दूसरों की सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। बुरी बात छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात जब मर्जी छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो। हम पहले भी छोड़ते आए हैं, बुराइयां अपने अंदर से निकालते हैं। धर्म हमें यही सिखाता है कि बुरी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, बुरी चीज़ों से दूर हो जाओ, यही असली धर्म है। तो इस भी दिवाली में जो हमें ये लग रहा है कि हमारा ये पार्ट दिवाली थी ठीक है, त्यौहार, ये पार्ट हमारा गलत है, तो उस पार्ट को चेंज कर सकते हैं हम, उसका कोई और बदल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें मत्था टेकना आता है, मत्था टेकते हैं, मत्था टेक भी लेना चाहिए, क्योंकि किसी को अपने से बड़ा मानकर ही मत्था टेकते हैं, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भाई, मत्था मारना भी सीखो। मत्था मारने का मतलब है चिंतन करो, मंथन करो, सोचो उसके जो काम करने जा रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो, बीच में क्या बुराई हो सकती है, क्या इसमें अच्छाई हो सकती है। यदि हम अच्छा बुरा सोचने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, अपने आप को खुशी देने में कामयाब हो जाएंगे, हम दूसरे को खुशी देने में कामयाब हो जाएंगे। हम कभी भी किसी दूसरे के आंसुओं पर खुशी का महल नहीं बना सकते। तो यही बात दिवाली के पटाखों पर लागू होती है कि जब दिवाली का पटाखा ऊपर जाके फटता है, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी पता नहीं क्या हालत होती है, हो सकता है कोई हार्ट अटैक से मर भी जाता हो। तो हमने
खुशियों के महल बनाने हैं लेकिन दूसरे को परेशान करके नहीं बनाने। हमने हर बात में खुशी ढूंढनी है लेकिन किसी को दूसरे को परेशान करके खुशी नहीं ढूंढनी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करके शेयर करके आगे दोस्तों तक पहुंचा दो ताकि जो आने वाले त्यौहार हैं हमारे उन पर हम पटाखे चलाने से गुरेज कर सकें। त्यौहार हो या कोई शादी का मौसम हो या कुछ और भी हो सकता है जहाँ भी हम पटाखे चलाते हैं तो वहाँ यदि हम इसको अवॉइड कर लें इसको कर्ब कर लेंगे तो हम अच्छा मैसेज एक समाज में जाएगा हमारे लिए भी और दूसरे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं। हम जो वातावरण पहले से इतना गंदा है उसमें श्वास लेने से हमारी स्वास्थ्य कैसे कितनी खराब चल रही है और उसके ऊपर अभी हम जो हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं वातावरण गंदा करके उसमें हमने खुद सांस लेना है। हमारे माँ बाप यही सांस लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पक्षी पशु पक्षी हैं, उनका ध्यान रखो यार। बस मेरी यही बेनती है। वीडियो अच्छे लगे तो इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, निकलते जाओ, आगे। थैंक यू वेरी मच।